नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम, ये पिछली तीन वैल्यूज से अलग टाइप की है। एम्पैथी, पहले ऐसी मान्यता थी कि फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल, ही सेड मैन इज अ रेशनल एनिमल, राइट। रेशनल एनिमल का मतलब क्या, ही नोज हिज सेल्फ इंटरेस्ट, उसको प्रोस कॉन्स सब पता है और वो अपने डिसीजन भी उस तरह लेता है। सो हमारी जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम थी, हमारी जो थॉट सिस्टम थी, दैट वाज बेस्ड अपॉन द रेशनलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को सब पता है, वो सब मेजर करके अपने डिसीजन लेता है। नाउ दैट इज स्टिल देयर इन द वेस्टर्न सोसाइटी। अगर आप देखोगे नोलान कमिटी के जो वैल्यूज है, उसमें से सभी वैल्यू इंटेलेक्चुअलिस्टिक होगी, उसमें कहीं पे भी एम्पैथी नहीं है, कहीं पे भी इम्पार्शियलिटी नहीं है, कहीं पे भी कंपैशन नहीं है। सो देयर इज स्टिल दैट वैल्यू सिस्टम दैट मैन इज अ रेशनल एनिमल। बट अब साइकोलॉजी में और सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च ये हो रही है कि भाई दिस इज रॉन्ग अजम्पशन। इकोनॉमिक्स में सभी फील्ड में ये अजम्पशन अब निकल रही है कि मैन इज अ रेशनल एनिमल। तो क्या है, मैन इज अ कंपैशनेट एनिमल, मैन होमो एथिक, होमो एम्पैथिकस। सो मैन इज अ सेंसिटिव एनिमल, मैन इज अ कंपैशनेट एनिमल, वो एक सोशल एनिमल है। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइक मैन इज गवर्न बाय मेनी इमोशंस। सो ऐसा नहीं है कि वो हर बार रेशनल डिसीजन लेगा, वो इमोशंस से डिसीजन लेता है। सो दैट्स वाई इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट नाउ, एंड एम्पैथी इज ऑल अबाउट इमोशंस। एम्पैथी क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी देखते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, अल्ट्रुइज्म। सिंपैथी इज अ कॉग्निटिव एलिमेंट। इफ यू आर अ रिच पर्सन एंड इफ यू हैव सिंपैथी टावर्ड्स अ पुअर पर्सन, उसका मतलब क्या कि आपको पता है कि व्हाट पुअर्टी मीन्स। अगर कोई बंदा पुअर है तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ही माइट नॉट हैव ए होम, ही माइट नॉट हैव एजुकेशन और ऑल दैट थिंग्स। सो आपको फैक्चुअली वो सब बातें पता है उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि कोई एस्पेक्ट आपके पास नहीं है। एंड देन यू थिंक दैट नो ओके दैट गाय इज पुअर, देन गवर्नमेंट शुड हेल्प हिम। सो दैट्स योर रेशनल जजमेंट, सो दैट्स सिंपैथी। सिंपैथी इज ऑल अबाउट योर बिलीफ एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। बट एम्पैथी इज नॉट ओनली कॉग्निटिव एस्पेक्ट बट ऑल्सो एन इमोशनल एस्पेक्ट। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपका फ्रैक्चर आया हुआ है, अगर किसी और को एक्सीडेंट होगा और उसका भी फ्रैक्चर आएगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, या मुझे भी ऐसा हुआ था, यू विल रियलाइज कि नहीं मेरा भी पैर टूटा था एक बार। सो दैट्स सिंपैथी। सो यू ऑल्सो फील द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन, दैट्स एम्पैथी। It's a strong attitude, right? It's a stronger attitude than sympathy. So it's a better predictor of behavior. So empathy mein kya hota hai? Empathy is our basis for altruism. Now we are coming to altruism. What is altruism? That we do something for others, right? That's altruism. But ab altruism ka ek base hai empathy. Baki kahi sare basis bhi ho sakte hai. For example, tax bachane ke liye agar main donation kar raha hu, to that's altruism. बट उसके पीछे एम्पैथी नहीं है, उसके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट है। सो एम्पैथी इज द बेसिस ऑफ अल्ट्रुइस्टिक और प्रो सोशल बिहेवियर। सी वी वांट टू कल्टीवेट मैक्सिमम एम्पैथी इन पीपल। फिर कंपैशन, दिस थिंग इज क्लियर, सिंपैथी, एम्पैथी, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म इज अबाउट एक्शन, दिस टू आर एटीट्यूड। कंपैशन, कंपैशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी के बिना कंपैशन नहीं आता। बट कंपैशन इज वन मोर स्ट्रॉन्गर देन एम्पैथी, बिकॉज दया की, करुणा की भावना है, दैट इज इवन वेरी स्ट्रॉन्ग। मदर टेरेसा लेफ्ट हिज कंट्री एंड सेटल्ड हियर एंड ही स्टार्टेड हर एक्टिविटीज, दैट वॉज बिकॉज ऑफ कंपैशन। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग इट ऑल्सो प्रेडिक्ट बिहेवियर बेटर। अल्ट्रुइज्म के साथ कंपैशन का ज्यादा रिलेशन है, राइट। सेकंड थिंग इज एम्पैथी कैन बी फॉर एवरीवन।
योर को इक्वल, इट कैन बी फॉर योर बॉस टू, और इट कैन बी फॉर इवन प्राइम मिनिस्टर। एम्पैथी सभी के पास हो सकती है। सिंपैथी, सॉरी, एम्पैथी जस्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन विथ फीलिंग, बट कंपैशन जो है दैट इज फॉर वीकर सेक्शंस, गरीब लोग जो है, डिस्पोसेस्ड है, उन सभी लोगों के लिए होती है। तो दैट इज फॉर द लोअर क्लासेस एंड लोअर कास्ट, सो दैट्स कंपैशन। Compassion versus altruism, as we said, compassion might not be the base of altruism. Altruism can be for tax benefit के लिए भी आप डोनेट कर सकते हो। Empathy क्यों जरूरी है? First of all, हमारी खुद की हिस्ट्री ऐसी है कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो थे, इवन आफ्टर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, रेबेलियन मॉडल जब तक था तब तक ये प्रॉब्लम थी कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जो थे, दे वेर द बेस्ट टैलेंट्स अवेलेबल इन नेशन, राइट? लेकिन फिर भी दे फेल टू सर्व पीपल। वाई? बिकॉज दे वेर इंटेलिजेंट, बट कोई एम्पैथी उन लोगों के पास थी ही नहीं। बाहर से आते थे, यहाँ का कल्चर उन लोगों को नहीं पता, यहाँ के लोगों के साथ वो लोग रहे नहीं कभी। सो कॉलोनियल अपैथी इज अ लीगेसी दैट वी हैव इनहेरिटेड। सो वो हमें डिफीट करना है कि वी आई डोंट केयर टाइप का जो एटीट्यूड है, रूल बुक मेंटालिटी है, ये सब चीज़ें लैक ऑफ एम्पैथी से आती है। सो दैट्स वाई एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एस्पेक्ट इज ऑब्वियसली अवर कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज चेंजिंग। एक लंबा रास्ता ये है, पुअर का एग्जाम्पल ही ले लो आप। द लॉन्ग वे इज कि आप यू अंडरस्टैंड ऑल देयर सफरिंग्स, आप उसके बारे में सब आपके पास डेटा हो कि इसके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, ऑल दैट थिंग। और फिर आपको लगे कि नहीं, आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए, दैट्स ए लॉन्ग वे, दैट्स ए रेशनल वे। देर इज अ शॉर्टकट, शॉर्टकट इज थ्रू एम्पैथी। यू सी दैट पर्सन, ऑटोमेटिकली यू फील एम्पैथेटिक फॉर हिम, एंड देन यू वर्क समथिंग फॉर हिम। सो दैट्स अ शॉर्टकट। सो एम्पैथी एंड ऑल दीज थिंग्स आर शॉर्टकट बिकॉज दे आर अवर फैकल्टी विच इज ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही वो चीज़ आप हम देखते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाता है। हम आगे इमोशनल इंटेलिजेंस में भी देखेंगे कि एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। एज आई सेड, नोलान कमिटी में कभी भी एम्पैथी नहीं होगा। There is a reason why it won't be there, because Western society is more intellectualistic or like man is a rational animal kind of ideology is still there. उसमें होता क्या है कि objectivity और empathy they are in contradiction. वो एक दूसरे के against जा रही है. For example, आपको कोई long term decision लेना हो तो उसमें शॉर्ट टर्म खराब कॉन्सिक्वेंसिस भी आ सकते हैं। अगर डॉक्टर को आपको क्योर करना हो तो आपको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म बेड कॉन्सिक्वेंसिस आ ही सकते हैं उसमें। सो इश्यू क्या होगा उसमें, सपोज एक जज जो है वो एम्पैथेटिक है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसका जजमेंट उस तरह से बायस हो जाएगा। अगर उस किसी क्रिमिनल को उसको सजा देनी है तो एम्पैथी का यह फीचर होता है कि इंडिविजुअल इंस्टेंस से वो ट्रिगर ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता था कि माइग्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, सीरियन रेफ्यूजीज जा रहे हैं, पिछले 4 सालों से जा रहे हैं, और टर्की में तो इन लोगों ने फ्लडिंग कर दी है। सो सबको पता है, लेकिन नो वन एक्टेड, कोई यूरोपियन कंट्री ने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। लेकिन वो आइलैंड का जब इश्यू बाहर आया तो सडनली देर वॉज ए रश, सभी जर्मनी से लेकर सभी कंट्रीज ने ऐसा डिक्लेयर करने लगे कि भाई वी विल टेक दिस अमाउंट ऑफ रेफ्यूजीज। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बाहर आया। सो एम्पैथी का हमेशा ये रहता है कि लाइक दैट डजंट गो बाय स्टेटिस्टिक्स, 1000 लोग मरे या 1 लोग मरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 मरे हुए बंदे को देख लोगे ना, सो योर रिस्पॉन्स शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट विल बी इवन 1000 पीपल डेड। सो आपका डिसीजन बायस हो जाता है। लाइक
किलिंग ऑफ 1,000 पीपल इज वर्स देन किलिंग ऑफ 1 पर्सन, लेकिन आपकी एम्पैथी दोनों के लिए इक्वल रहेगी. सो इट्स अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी, दैट्स वाई वेस्टर्न कंट्रीज में ये नहीं फिट होता. ऑल दिस कैन बी फेलियर ऑफ एम्पैथी, बुलिंग, रैगिंग, स्टॉकिंग, सभी में प्रॉब्लम यही होता है कि यू डू नॉट पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज. आप दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है वो नहीं देख रहे हैं. और फॉर एग्जाम्पल बुलिंग, बुलिंग में तो ये स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट. एम्पैथी सबसे ज्यादा इनकलकेट कर सकते हो तो एक चिल्ड्रन में, बिकॉज ही इज लाइक ही इज जस्ट डेवलपिंग. अगर वो बुलिंग स्टार्ट कर देता है देन ही विल नॉट गेट एम्पैथी, एंड लेटर ऑन उसको करेक्ट करना, रिफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स, इंटॉलरेंस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लैक ऑफ एम्पैथी, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड दी लाइफ ऑफ अदर पर्सन. आईसीटी की वजह से होता क्या है कि यू डू नॉट गेट इन टू टच विद दी अदर पर्सन डायरेक्टली. डायरेक्टली अगर आप उससे कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं तो यू डू नॉट डेवलप एन एम्पैथी. एम्पैथी डेवलप होने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं. यू सी दी अदर पर्सन, यू इंटरप्रिट देयर जेस्चर्स, आप उसके फेशियल जेस्चर्स देखते हैं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, दैट्स हाउ एम्पैथी इज डेवलप्ड. बट इंटरनेट पे क्या होता है, यू आर जस्ट टॉकिंग विद दैट पर्सन और यू आर डिसकनेक्टेड विद द पीपल एट लार्ज. तो एम्पैथी बिल्डअप नहीं होती, आपका एटीट्यूड एम्पैथी से के अगेंस्ट में जा रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, इट्स डिफिकल्ट टू अब्यूज ए पर्सन इन पर्सन. मतलब इंडिविजुअली अगर आप किसी को मिल रहे हैं तो आप उसको अब्यूज नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अपार्ट फ्रॉम द रीजन दैट ही विल हिट यू, बट इवन द सेम कॉन्शियसनेस इज सच दैट यू विल नॉट डू इट बिकॉज इट्स सो ऑकवर्ड. बट इंटरनेट पे ये करना काफी आसान है. अगर किसी ने, केजरीवाल ने वो स्टेटस अपडेट कर दिया तो उसके नीचे आप कोई बार कमेंट देख लेना, पूरा अब्यूज रहता है बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको उसको फेस नहीं करना पड़ता. सो सिमिलरली ऑनलाइन स्टॉकिंग भी ऐसा ही होता है. ये बिल क्लिंटन का अफेयर जो था मोनिका लेविंस की, सो शी वॉज लाइक हेरस्ड ऑनलाइन फॉर ए डिकेड. सो उसकी एक टेड वीडियो है, टेड एक्ट की वीडियो है, दैट यू शुड सी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव वीडियो. सो सी वॉज दी फर्स्ट विक्टिम ऑफ आईसीटी, लाइक उसकी वजह से जो एम्पैथी हमारे में लॉस हो रही है, सी वॉज दी फर्स्ट विक्टिम ऑफ दैट. कि वो सब चीज है जो हमारे अंदर जो खराब इंसान है वो ऑनलाइन ज्यादा जल्दी बाहर आ जाता है. एनोनिमिटी होती है, कोई हमें कहने वाला नहीं होता. सो इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू डेवलप एम्पैथी इन दी वर्ल्ड ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड आईसीटी. इट कैन बी कल्टिवेटेड ऑफकोर्स, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इट. अगर कल्टिवेट नहीं कर सकते तो फिर वैल्यू में डालने के जरूरत ही नहीं है. एक आप जब इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली में एक संकल्प करके एकेडमी है जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज और वो सब लिया जाता है. आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया था. वहाँ पे एक सर है, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ हॉबीज. देट सर इज जीनियस. आप कोई भी हॉबी उसके पास लेके जाओ, ही विल जनरेट क्वेश्चन ऑन दैट. आप, मेरी हॉबी टेबल टेनिस थी एंड आई डोंट थिंक ही वॉज प्लेइंग टेबल टेनिस, लेकिन ही केम अप विथ, ही आस्क मी टेबल टेनिस में कौन सी कंपनी का वो टेबल यूज किया जाता है इंडिया में. नाउ आई प्लेड, आई यूज टू प्ले इट, बट इवन आई डिडंट नो कौन सी कंपनी है. वहाँ पीपा कभी कंपनी नहीं देखी. सो लाइक ही इज दैट स्पेशलिस्ट इन हॉबी. सब उसके पास जाते हैं एंड ही विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क बेस्ड ऑन योर हॉबीज. सो एक बंदे वहां पे मैं बैठा था, एक बंदे की हॉबीज थी पोएट्री. सो वॉट सर आस्क्ड हिम इज कि भाई पोएट जो है वो सेंसिटिव लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके बस की बात नहीं है बिकॉज दे आर सेंसिटिव पीपल. एडमिनिस्ट्रेशन में हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं. सो देट वॉज अ रॉन्ग ऑब्जेक्शन, देट गाई कुडंट आंसर प्रॉपरली, बट देट वॉज अ रॉन्ग ऑब्जेक्शन. वाई? बिकॉज वी नीड इवन मोर सेंसिटिव पीपल. लाइक इनसेंसिटिव पीपल से ही तो ये खराब हालत है हमारी, कि ब्रिटिश जो सिविल सर्वेंट था दे वेर इनसेंसिटिव एंड नाउ वी वॉन्ट मोर सेंसिटिव पीपल. सो दैट्स एम्पैथी, द वैल्यू ऑफ एम्पैथी. एंड एज आई सेड, आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, ऑल दिस एस्पेक्ट्स हेल्प अस डेवलप एम्पैथी.
सो हाउ टू इनकलकेट आर्ट लिटरेचर सिनेमा सिनेमा आई विल टॉक मोर अबाउट सिमिलर सिनेमा बिकॉज लेस फेमिलियर विथ आर्ट एंड लिटरेचर. ओके सत्यजीत रे की जो मूवीज है पाथेर पांचाली अगर आप में से किसी ने देखी हो तो दिस आर क्लासिक एग्जाम्पल. वो एकदम रियलिस्टिक मूवीज होती है. उसमें रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वहाँ के लोगों की क्या हालत है वो रियलिस्टिकली वो पोर्ट्रे की गई है उसमें. सो दैट्स ए मूवी दैट सच मूवीज हेल्प यू डेवलप एम्पैथी. एक दूसरी एक मूवी है जिसमें फ्रीडम राइटर्स अगर आपने देखी हो उसमें क्या होता है कि एक स्कूल होती है पहले काफ़ी अच्छी स्कूल थी. फिर ये ब्लैक मूवमेंट हुई तो उसमें गवर्नमेंट ने रूल ला दिया कि भाई इतने परसेंटेज ब्लैक स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है. सो यहाँ पे जो टीचर्स स्टाफ प्रिंसिपल्स वो सब वाइट थे. सो दे रिसेंटेड इट. उन लोगों को ये पसंद बिल्कुल नहीं आया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इससे क्वालिटी कम हो गई है. एकदम अच्छी स्कूल थी अब ये लोग आ गए हैं तो दे हैव डिग्रेडेड द क्वालिटी. सो सबका नेगेटिव एटीट्यूड था. तो क्लास में होता ऐसा है कि 50% लोग होते हैं वो ब्लैक होते हैं 50% वाइट होते हैं. तो ब्लैक और वाइट के बीच में हमेशा प्रॉब्लम होता है. वो हमेशा झगड़ते रहते हैं. फैकल्टी भी डिस्क्रिमिनेट करती रहती है. इस सिचुएशन में एक जो मेन कैरेक्टर है टीचर है वो आती है एंड सी इज सेंसिटिव टावर्ड्स ब्लैक. सो वो कई सारी ऐसी चीज़ें करती है जिससे एम्पैथी डेवलप हो. एक आई विल गिव वन एग्जांपल. उसमें होता है कि एक लोगों को पास में दीवार के पास में खड़ा किया जाता है. बीच में से एक लाइन ड्रॉ की जाती है. देन द टीचर आस्क इसमें से कितने लोगों के घर में कोई ना कोई जेल जा चुका है. सो पीपल विल कम टुगेदर यहाँ आ जाए ऐसा बोलती है वो टीचर. तो कई सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम विल बी ब्लैक. फिर पूछा जाता है कि आप लोगों में से कितने लोगों के फादर नहीं है. सो पीपल विल कम देयर मोस्ट ऑफ देम विल बी ब्लैक. फिर हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद ड्रग्स. कई सारे लोग आते हैं उसमें भी कई सारे लोग ब्लैक्स हैं. तो होता यह है कि जो वाइट लोग होते हैं जो वहाँ पे नहीं आते वो लोग रियलाइज करते हैं कि भाई हम जिसे नफरत कर रहे थे उसके पीछे की सिचुएशन क्या है व्हाट काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम. सो ऐसी कई सारी चीज़ें वो टीचर करती है जिस अल्टीमेटली होता यह है हैप्पी एंडिंग ये है कि वाइट और ब्लैक किड्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. बट दैट्स द पर्पस. एम्पैथी इन सारी चीज़ों से डेवलप होती है एंड आर्ट एंड सिनेमा इज प्राइम फैक्टर फॉर दैट. अनदर आस्पेक्ट दैट वी हैव प्रैक्टिस दिस फॉर एग्जाम्पल कॉमन हॉलीडेज. दिवाली की रजा सभी रिलीजन के लिए होती है. ईद की रजा सभी रिलीजन के लिए होती है. इसके पीछे का पर्पस अच्छा है लेकिन वी नेवर यूज इट वी नेवर प्रैक्टिस दैट. पर्पस ये है कि एक रिलीजन के बंदे दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करें. इससे होता यह है कि यू डेवलप एम्पैथी फॉर द अदर पर्सन. उससे टॉलरेंस आती है. पाकिस्तान में अगर जाए अगर आप तो वहाँ पे हिंदुओं का हॉलीडे अलग होता है मुस्लिमों का हिंदू हॉलीडे अलग होता है क्रिश्चियंस का हॉलीडे अलग होता है. कोई किसी के हॉलीडे में पार्टिसिपेट नहीं करता बिकॉज दैट इट्स देयर आइडिया ऑफ नेशन. आवर आइडिया ऑफ ए नेशन इज डिफरेंट. सो कई बार हमें लगता है कि पतेती की लीव पे हम क्या करेंगे वैसे भी घर पे सोते रहते हैं. लेकिन देर इज अ वेरी स्ट्रांग फिलोसॉफी बिहाइंड दैट कि आइडियली क्या होना चाहिए कि कोई भी रिलीजन हो यू आपको अग्यारी में जाना है वहां पे पतेती पे और यू हैव टू सी कि ये लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो दैट्स वन आस्पेक्ट पर्सपेक्टिव टेकिंग रोल प्लेइंग सिक्स हैबिट्स ऑफ हाईली एम्पैथेटिक पीपल. ये मैंने इंटरनेट पे कहीं पे देखा था. उसमें क्या होता है कि एक तो यू हैव टू बी ए गुड लिसनर. आपको सुनना है सामने वाला क्या बोल रहा है. दैट्स वन एस्पेक्ट दैट हेल्प यू डेवलप एम्पैथी. दूसरा इट्स लाइक पुटिंग योर सेल्फ इन दी अदर पर्सन शू. उसमें क्या करना होता है कि इफ यू आर एन एथीस्ट देन गो टू चर्च और टेम्पल. इफ यू आर हिंदू देन गो टू ए मॉस्क. सो आप अगर एनवायरमेंटलिज्म की बात कर रहे हो तो फिर आप कोई एनवायरमेंट वेदांता के सीईओ से मिले जाके. सो यू द आइडिया इज यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ट्राई टू नो देम. इसमें ऐसे लेसन दिए जाते हैं कि भाई
दिस इज द काइंड ऑफ पीपल, ये एक ट्राइब है, गो एंड नो अबाउट देम, राइट। उसको जाओ, उसके साथ इंटरेक्ट करो और गेट नॉलेज अबाउट देम। तो उसमें क्या होता है, यू गो देम, लर्न अबाउट देयर डेली लाइफ, लर्न अबाउट देयर हैबिट्स, एंड देन यू डेवलप एम्पैथी। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरियर एल्विन करके एक पॉपुलर नेम है, ही वॉज नोन फॉर वर्क इन ट्राइबल डेवलपमेंट। सो फॉर हिज होल लाइफ ही लिव्ड अमंग ट्राइबल्स। ही वॉज, आई थिंक ही वॉज फ्रेंच पर्सन, बट ही केम हियर और अपनी पूरी जिंदगी वो ट्राइबल्स के बीच में रहा। सो ही इज एन अथॉरिटी ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट बिकॉज ही लिव्ड देयर, ही अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम एंड देन ही डिवाइड हिज सॉल्यूशंस। सो हिज सॉल्यूशंस आर रिस्पेक्टेड। सो अगेन, हाई एम्पैथेटिक सिनेरियो, आप लोगों को ऐसा मत बोलिए कि 1,000 लोग मर गए, इंस्टेड शो देम ए फोटोग्राफ ऑफ वन डेड पर्सन, दैट्स एम्पैथी। दूसरे कई एस्पेक्ट्स है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स एज आई सेड, जो एम्पैथी डेवलप में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आईटी में 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोग हैं। उसका मतलब क्या होता है कि रिच एंड पुअर पीपल विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देन दे ट्राई टू नो ईच अदर। फिर गेटेड कम्युनिटीज जो होती है, इट्स वेरी आइडिया इज अगेंस्ट एम्पैथी, क्योंकि एक तरह के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब ये कास्ट अपने साथ रहती है, ये कास्ट एक दूसरे के साथ रहती है, रिच लोगों की अलग कम्युनिटी होती है। तो होता क्या है कि यू नेवर कम अक्रॉस द अदर पर्सन, और इफ यू डू नॉट कम अक्रॉस द अदर पर्सन, यू डू नॉट डेवलप एम्पैथी। सो दैट्स ऑल अबाउट एम्पैथी, कंपेशन एंड टॉलरेंस टावर्ड्स वीकर सेक्शन। एज आई सेड, कंपेशन उसका बेस तो एम्पैथी ही है। कंपेशन क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर ए डिवाइडेड सोसाइटी। डिवाइडेड सोसाइटी मतलब सोशली, लाइक रिच पीपल आर देयर, देन डिफरेंट कास्ट आर देयर, सम कास्ट आर डिस्क्रिमिनेटेड। सो ये सब स्ट्रक्चर है, तो दैट रिक्वायर्स अस, हमारा पहले का एटीट्यूड क्या है कि वी बिलीव इन, ऑल ऑफ अस बिलीव इन लॉ ऑफ कर्म। सो क्या है, कोई अगर गरीब बंदा आता है तो इंस्टीड ऑफ फीलिंग एम्पैथी टावर्ड्स हिम, व्हाट वी विल जस्टिफाई इज ये उसके कर्मों का फल है। सो दैट्स अ पैथेटिक एटीट्यूड दैट वी ऑलरेडी हैव, दैट्स व्हाई वी नीड कंपैशन। कि जो नेचुरल इमोशन है हमारा कंपैशन, वो बाहर ही नहीं आ रहा क्योंकि एक एलिटिस्ट कल्चर बन गया है। सो कंपैशन इज वन, दैट्स व्हाई वी नीड स्पेशली कंपैशन अपार्ट फ्रॉम एम्पैथी। कंपेशन भी अगेन इनकलकेट किया जा सकता है। एक मेथड है, बुद्धिज्म हैज मेनी टेक्निक्स टू डेवलप कंपेशन। अगर वो उसका चार आर्य सत्य अगर आप देखें, तो पहले वो उसमें लाइफ इज सफरिंग, ऐसे कुछ आर्य सत्य है, लाइफ इज सफरिंग, सफरिंग सेल्फ कॉजेस, फिर बाय दिस मेथड यू कैन अटेन निर्वाण, ऐसा। तो वो आइडिया कैसे आया बुद्ध को? सो ही केम आउट ऑफ हिज होम, ही सो ए डेड मैन, देन ही सो ए सिक मैन, ही सो एन ओल्ड एज मैन, और अभी एक दूसरा, चार टाइप के अलग अलग लोग के इंसान उसने देखे। सो देन ही लेफ्ट वर्ल्ड, दुनिया छोड़ दी उसने कि भाई नहीं है, इसमें तो कुछ रखा नहीं है। सो दिस एटीट्यूड इज सीन इन मेनी एस्पेक्ट्स इन बुद्धिज्म। सो एक ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है जिससे एम्पैथी डेवलप होती है, और इट्स लाइक एक्सपेरिमेंटली इट्स अ प्रूवन थिंग, इससे डेवलप होती है। उसमें क्या करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, आपको आंख बंद करके बैठना है, लेकिन उसमें करना क्या है कि यू हैव टू थिंक गुड थिंग्स। चार तरह के लोग के बारे में आप सोचेंगे, पहले ऐसे लोग दैट यू रिस्पेक्ट एंड यू लव हिम, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस लीडर और एनी एनी ऑफ योर फेवरेट पर्सन, सो रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड पर्सन। द सेकंड इज योर बिलव्ड पर्सन विद इन योर फैमिली और एक्वेटन्स सर्कल, आप जिसको पहचानते हो
और आपको जो पसंद है उसके बारे में अच्छी चीजें सोचो, दैट्स ऑल्सो इजी, आप सोच सकते हो। नाउ डिफिकल्ट न्यूट्रल लोगों के बारे में अच्छी चीजें सोचो, जिसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड कुछ है ही नहीं आपके, उसके बारे में अच्छी चीजें सोचो। जो पान वाला है उसके बारे में, राजू भाई है उसके बारे में सोचो कि कैसे हंसते हुए चाय देता है जब वहां पे जाते हो। तो धीरे धीरे वो हमें सोचना है, उसके फेस इमेजिनेशन उसमें करनी है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन इमेजिन करना है कि ही स्माइलिंग टावर्ड्स अस। देन वी हैव टू थिंक अबाउट गुड थिंग्स दैट ही डिड। राजू भाई ने कई बार पैसे नहीं लेते कि बाद में दे दूंगा, सो वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। सो दैट्स रिलेटिवली स्टिल इजी। अब डिफिकल्ट पार्ट आता है, नाउ वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली टावर्ड्स अ पर्सन यू हेट। आपको जिससे नफरत है उसके बारे में अच्छी चीजें सोचनी है, दैट्स डिफिकल्ट। बट अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है इस एक्सरसाइज का, कि यू आप ब्राइटर साइड देखने लगते हो लोगों में। अब पहले आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड था, नाउ यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ब्राइटर साइड, अच्छी चीजें आप सोचने लगते हो। सो ऐसा पाया गया कि 2 या 3 महीने तक अगर ये मेडिटेशन रेगुलरली करे ना, तो उससे कंपेशन लेवल बढ़ जाता है। और कंपेशन लेवल मेजर करने के लिए ये एक ज्यूरिक प्रोसोशियल गेम ऐसा एक मेजरमेंट है, जिससे इन लोगों ने ऐसा किया कि मेजरमेंट किया, फिर ये मेडिटेशन किया 2 महीने तक, फिर से मेजरमेंट किया, तो रिजल्ट्स इंप्रूव हुए थे। सो दिस इज हाउ यू डेवलप। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स यू इफ यू विजिट एन ओल्ड एज होम, इफ यू विजिट अ स्लम, ये भारत दर्शन और वो सब का मतलब यही होता है कि आप डाइवर्सिटी देखे उसमें से देखे। अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, यू हैव नेवर सीन अ कंट्री साइड, सो दैट्स वाई भारत दर्शन में आपको सभी अलग अलग जगह पे भेजा जाता है कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाओ और देखो लोग कैसे जी रहे हैं। सो बाकी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे कंपैशन डेवलप हो सके।